नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है दोस्तों। दोस्तों आज जम्मू एंड कश्मीर में आतंकी बुरहान वानी के फादर ने तिरंगा लहराया है, तो इस पे पाक मीडिया और पाकिस्तान के लोग कैसे बुखलाए हुए हैं, आइए दिखाते हैं आपको ये डिबेट। और उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय दोस्तों। जल्दी भिजवाइए, यहाँ पे लोग मांग रहे हैं। और कितने इंडियन फ्लैग वहां पे गए हैं, फिर भी कम पड़े तो लोगों ने अपने घरों में बैठ के सिले, उसके वीडियोज अवेलेबल हैं। आज हर जगह 75th एनिवर्सरी थी, आज हर जगह इंडियन फ्लैग लगाया गया। सबसे बड़ी चीज वो बुरहान वानी जो कि पाकिस्तान के लिए पोस्टर बॉय था, उसके फादर ने इंडियन फ्लैग को होस्ट किया जिस स्कूल में वो टीचर थे उसमें, और उन्होंने खुद बोला कि मैं होस्ट करूंगा, और उसके साथ साथ उन्होंने वहां पे इंडियन नेशनल एंथम गाया और उसके बाद वो चले गए। तो इस पर कोई रिएक्शन, क्योंकि अब ये इस इंडियन साइड ऑफ कश्मीर अब पाकिस्तान के हाथ से निकल चुका है। पाकिस्तान ने बहुत भड़काने की कोशिश की, बहुत टेरर फैलाने की कोशिश की, नहीं हुआ। बुरहान वानी के फादर तक अब इंडिया के फेवर में आए, उन्होंने इंडियन फ्लैग को सल्यूट किया, इंडियन फ्लैग को अनफ्लॉग किया और इंडियन नेशनल एंथम गाया, पाकिस्तानी नहीं था। अब देखिए, इंडिया इतना वहां पे मकबूल है, कश्मीरी इंडियंस को इतना पसंद करते हैं, हो सकता है ऐसी बात हो, तो आप वहां पे खोलें कश्मीर को, दुनिया भर से लोगों को बुलाएं। पाकिस्तान ने तो अभी कश्मीर खोल दिया, पाकिस्तान ने तो कश्मीर प्रीमियर लीग करवाई, पूरी दुनिया के क्रिकेटर्स को कहा आओ देखो, जो आप लोग कहते हैं कि जी पीओके में ये हो रहा है वो हो रहा है, आप यहाँ पे आओ। उस पर आपकी हुकूमत को इतनी प्रॉब्लम हुई कि वो स्पोर्ट्स, जिसके अंदर पॉलिटिक्स का कोई काम नहीं, आपका स्पोर्ट्स बोर्ड जो है, आपका क्रिकेट बोर्ड BCCI, वो बीच में आ गया, उसने आके कहा कि जी कोई भी प्लेयर, कोई भी बंदा वहां पे गया तो हम उसके साथ काम नहीं करेंगे। तो इस हद तक आपको खौफ है कि आप जो है बीच में स्पोर्ट्स के अंदर भी पॉलिटिक्स ले आते हैं, तो आप भी कश्मीर प्रीमियर लीग करवा दें ना, एक वहां पे बुला लें लोगों को, दुनिया से दिखाएं, पाकिस्तानी प्लेयर्स को भी बुलाएं, तो ताकि वो भी, दुनिया भी आके देखे कि वहां पे कैसा है। तो होता ये है कि जब भी कश्मीर का आपने दौरा करवाना होता है, फार राइट्स की जो पार्टीज हैं, जो रेसिस्ट पार्टीज हैं, उनके जो नुमाइंदे होते हैं EU से, उनको श्रीवास्तव ग्रुप के जरिए आप लोग बुला लेते हैं, एक दौरा शोरा करवा देते हैं, दुनिया को दिखा देते हैं, पर उसको खोलें। जब डेबी इब्राहिम्स आ रही थी, उसका वीजा क्यों आपने कैंसिल कर दिया? दिल्ली एयरपोर्ट से बर्तानिया की, UK की मेंबर पार्लियामेंट, गूगल एवरीबॉडी हु इज वॉचिंग और हु वुड वॉच आफ्टरवर्ड, जो देखेंगे डेबी इब्राहिम्स UK की मेंबर पार्लियामेंट, उनको दिल्ली एयरपोर्ट से वापस भेज दिया गया, इसलिए कि वो जो है वो कश्मीर पे बात करती, उनका वीजा कैंसिल कर दिया गया। उनको जाने देते ना कि वो कश्मीर जाएं, देखेंगे कश्मीर में क्या हो रहा है। तो प्रॉब्लम ये है कि मेरे और आपके कहने से या मोदी जी के कहने से तो चीजें चेंज नहीं होंगी। अशरफ गनी साहब भी अभी कहते हैं कि मैं पूरे अफगानिस्तान पे मेरी हुकूमत है, इसी तरह मोदी जी का भी ये दावा है जिस तरह आपने किया कि वो कश्मीरियों के दिलों के ऊपर राज करते हैं। लेकिन 14 अगस्त को वहां से जो वीडियोज आ रही थी वो आपने भी देखी, और जो कश्मीरियों के सेंटीमेंट्स हैं वो भी आपने देखे। अगर आपका ये दावा है कि कश्मीरी सारे आपके साथ हैं, तो फिर आप उसमें वो कराएं, प्लेबिसाइट कराएं, आप लोग उनको कहें कि इजाजत दें कि जी वोट डालो, जिधर जाना है चले जाएं, तो सबने नजर आ जाएगा सबको, तो कश्मीरियों को फैसला करना। ऐसा ही कुछ मैं भी दावा करने वाला हूँ कि शायद बलूचिस्तान में भी प्लेबिसाइट होता तो अच्छा लगता। जहां तक बात यह है कि भाई आपने बोला कि डेबी रैम्स आ रही थी, वो डेबी रैम्स हैं कौन? मतलब वहां से अल जजीरा रिपोर्टिंग कर रहा है, BBC कर रहा है, दूसरे चैनल्स कर रहे हैं, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स कर रहे हैं, सारी की सारी रिपोर्टिंग श्रीनगर से और दूसरे कश्मीर के एरिया से हो रही है। आप सिर्फ नेट पे सर्च मार के देखिए, आपको इतनी सारी रिपोर्ट मिलेंगी। सारा मीडिया वहां पे है, रिपोर्टिंग कर रहा है, एंटी इंडिया खबर भी रिपोर्ट हो रही है, ऐसा तो नहीं किसी के सिर पर बंदूक लगा रखी है। अभी अभी कुछ दिन पहले जिस राहुल गांधी को पाकिस्तान ने इतनी बार कोट किया जितनी बार कांग्रेस पार्टी ने उन्हें कोट नहीं किया, वही 3 दिन पहले वहां पे 2 दिन के विजिट पे थे, राइट? और आज तो बुरहान वानी के फादर ने भी इंडियन फ्लैग लहराया है। तो ये सारी चीजें मैं आपको इवेंट बाय इवेंट बता सकता हूं। वहां पर दूसरे यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स गए, हमने उसके जब 378 हटाई थी उसके तुरंत बाद, उसके इंस्टेंटली बाद हम लोगों ने एम्बेसडर्स लेके गए वहां पे। अभी कश्मीर बिल्कुल खुला है, कोई भी जा सकता है, मेरे रिपोर्टर्स वहां बैठे हैं, वहां के अपने इंडिजिनस रिपोर्टर्स बैठे हैं, वहां से वेबसाइट्स चल रही हैं, ग्रेटर कश्मीर और कितनी सारी वेबसाइट्स हैं, आप पढ़ सकते हैं। वो सारे के सारे ऐसा नहीं है कि प्रो इंडिया लिखते हैं, वो एंटी इंडिया भी लिखते हैं, तो आप देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल खुला है कश्मीर में, कोई कर्फ्यू की बात को। देखिए मैं आपको एक छोटा सा वाक्य सुनाता हूँ।
छोटा सा किस्सा, आज तो हम लोग देख रहे हैं कि डल लेक में पूरे कश्मीर में तिरंगा लहरा रहा है और बुरहान वानी के पिताजी खुद तिरंगा लहरा रहे हैं और वहां पे पीछे नेशनल एंथम भी बज रहा है, जनमनगन बज रहा है। यही कश्मीर में 2017 अप्रैल 5th of April 2017 को जब हमने कोशिश करी थी लाल चौक पे तिरंगा फहराने की तो हमें पुलिस ने मना कर दिया था, और जब हमने बोला कि नहीं हम फहराना चाहते हैं तो पुलिस की जिप्सी में हमें बैठाया था, मुझे बैठाया था पुलिस की जिप्सी में, क्योंकि उस समय जो पॉलिटिकल जो पावर्स थे उस वक्त महबूबा मुफ्ती टाइप के, उन लोगों ने बोला था कि नहीं यहाँ पे तिरंगा फहराना जुर्म है भाई, आप नहीं फैला सकते, ये कानून के खिलाफ है, पाकिस्तान का झंडा फहरा सकते हैं, इस्लामिक स्टेट का फहरा सकते हैं, आप चाहे तालिबान का भी फहराएं लेकिन इंडिया का झंडा आप नहीं फहरा सकते। मैं खुद का बात, मैं किसी की देखी बात नहीं बता रहा, लाल चौक में मुझे जेएनके पुलिस की जिप्सी में बैठाया गया था। अब वो लोग भी मजबूर थे उस वक्त, मैं जेएनके पुलिस को दोषी नहीं मानता। आपने बात करी महबूबा मुफ्ती की, ये महबूबा मुफ्ती का फैलाया हुआ जहर है, ये फारूक अब्दुल्ला का फैलाया हुआ जहर है। आज की तारीख में जब आप किसी देशभक्त को बोलें कि तुम तिरंगा नहीं फहरा सकते और आज बुरहान वानी का बाप खुद तिरंगा फहरा रहा है वहां पे, अब आप समझ लीजिए कि इन 3-4 सालों में कितना फर्क आया है कश्मीर में, कितना ज्यादा फर्क आया है कश्मीर। मेजर गौरव आर्या, कश्मीर में फर्क आया, ये कहें कि लोगों की सोच में फर्क आया, क्योंकि ये वो बुरहान वानी था जो कैसे कश्मीर में आतंक मचा रहा था, और जब बुरहान वानी को मारा गया था तो जो इसके पिता थे जो आज तिरंगा लिए हुए हैं, ये साफ तौर पर ये कह रहे थे कि अपने बेटे की कुर्बानी अगर कश्मीर की आजादी के लिए मुझे करनी पड़ती है तो मुझे ये मंजूर है। ये कहें कि बदला है वो भारत, बदला है वो कश्मीर में। आऊंगी मैं जो गौरव आ रहे आपके पास, और जीनत इस वक्त मेरे साथ हैं। जीनत, ये बहुत बड़ा एक मैसेज है कि अगर बुरहान वानी आतंकी के पिता ये समझते हैं कि देश के साथ चलना है, तिरंगा हाथ में लेना है, तो ये एक बड़ा मैसेज। देखिए, जो बुरहान वानी के फादर है मुजफ्फर वानी, बेसिकली टीचर है प्रोफेशन से और स्कूल को हेड कर रहे हैं साउथ कश्मीर में, तो गवर्नमेंट ने एक यहाँ डायरेक्शंस निकाली है करीब करीब 23,000 स्कूल्स के लिए कि आज के दिन हर बिल्डिंग पे, गवर्नमेंट की बिल्डिंग पे, स्कूल्स में झंडा लहराया जाएगा। कि जो देखने को मिला कि जो बुरहान वानी के फादर है मुजफ्फर वानी, आज उन्होंने भी अपने स्कूल में झंडा लहराया। बुरहान वानी की बात करेंगे तो हिजबुल का पोस्टर बॉय हुआ करता था, 2016 में बमनू में उसको मार गिराया गया था सुरक्षा बलों ने, लेकिन उसके बाद भी जो है उसके फादर ने कभी रिज़ाइन नहीं किया, क्योंकि उनका मेंटेन रहा है एक व्यू कि नहीं, मैं टीचर हूँ, मैं लोगों को पढ़ाता हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं देश का भविष्य बनाता हूँ। और आज जो है वो वही देखने को मिला कि जहाँ हर कोई जो है तिरंगा हाथ में लहरा रहा है, वही बुरहान वानी के फादर मुजफ्फर वानी ने भी तिरंगा लहराया साउथ कश्मीर के स्कूल में, जहाँ वो टीचर भी है और प्रिंसिपल का काम भी कर रहे हैं। एसपी वैद्य इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं जम्मू कश्मीर से। इस वक्त सर, आज हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से जो राष्ट्रवादिता है जिसकी बात हम यहां पर करते हैं, और वो न्यू कश्मीर, और वो न्यू कश्मीर भी हमको यहां पर दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल दिखाई दे रहा है, और ये जो राष्ट्रवादीपन था इसको कभी भी प्रोत्साहन नहीं दिया गया, हमेशा अलगाववाद को प्रमोट किया गया, और ये नया कश्मीर है। और मैं मुबारकबाद देता हूँ बुरहान वानी के पिता को भी और कश्मीर के हर शायरी को जिन्होंने आज इतनी धूमधाम से आजादी का दिन मनाया। और ये नया कश्मीर की ही निशानी है कि वो तिरंगा फहरा रहे हैं। आज शंकराचार्य में देखिए, भारत के झंडे के शंकराचार्य मंदिर पर तीनों कलर दिखाई दे रहे हैं। आप लाल चौक का वो घंटाघर देखिए, उसमें भारत के नेशनल फ्लैग के कलर जगमगा रहे हैं। आप गुलमर्ग देखिए, वहां नेशनल फ्लैग फहरा रहा है। तो इस ये एक नया कश्मीर की तब्दीली आप सबको देखने को मिल रही है, और इस बात पर मैं कश्मीर के लोगों को, भाई बहनों को बहुत बहुत मुबारक देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद एसपी वैद्य जी। पूर्व डीजीपी जम्मू कश्मीर इस वक्त हमारे साथ थे, जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि देखिए जो कश्मीर बदल रहा है, ये हम क्यों कह रहे हैं ये नया कश्मीर है, क्योंकि ये वो तस्वीरें हैं जो शायद एक तरह से कहें। मेजर गौरव आर्या, आप जिक्र भी कर रहे थे, आप तो कश्मीर में रहे भी लंबे वक्त तक, लेकिन ये जो तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं ये एक वक्त में सपना हुआ करती थी, लेकिन आज ये कहें कि हर चीज संभव नजर आती है, और यही वो नया कश्मीर है जो ये बता रहा है कि कश्मीर कैसे हमेशा हमारा हिस्सा था और तिरंगा हमारी आन बान शान है। नहीं,
नहीं बिल्कुल ठीक कहा आपने श्वेता, ये कश्मीर आन बान शान है, हमारा अभिन्न अंग है, ये सब बातें हैं, लेकिन जो दिल और दिमाग दोनों बदले हैं कश्मीर में, तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी हार है, क्योंकि पाकिस्तान ने ही ये जहर घोला था कश्मीर में, और इसके बाद ही ये सब चीज़ें वहाँ पर बिगड़ना शुरू हुई थी 1989 में। मेरे साथ अभी कर्नल थापर सर भी हैं स्टूडियो में। सर मैं आपसे कुछ जानना चाहूँगा, सर कर्नल थापर सर को फ्रेम में लाइए प्लीज जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपको क्या लगता है सर कि ये कितना बड़ा, यू नो, कितना बड़ा एक आप ही कह लीजिए वाकया है, आप ही कह लीजिए कितना बड़ा एक इमोशन होगा कि बुरहान वानी जो कि एक पोस्टर बॉय था सर हिजबुल मुजाहिदीन का, पोस्टर बॉय, उसको देख के लोग रिक्रूट होते थे, वो उसका फादर जिसने बोला था कि अल्लाह की राह में मर गया मेरा बेटा कोई बात, वो आज तिरंगा फहरा रहा है। देखिए गौरव जी, मैं 3-4 दिन पहले ही कश्मीर से आया हूँ सर, और मैंने पूरे कश्मीर का मतलब बहुत लंबा दौरा किया, मतलब एक कोने से लोलाब तक सर, और मैं कश्मीर के इंटीरियर में गया हूँ बिना खौफ के, बिना डर के, अकेला अपने साथ अपना ड्राइवर को लेके, और पूरा घूमा फिरा हूँ इंटीरियर एरियाज में। मुझे आपको ये बताते हुए एक तरह से खुशी भी हो रही है कि वहाँ पे पूरा माहौल बदली हो चुका है। मैं कश्मीरियों के घर में गया हूँ, गांव के अंदर, वहाँ पे खाया पिया और सब कुछ किया, और चरारे शरीफ में गया हूँ बिना किसी एस्कॉर्ट के, बिना आम सिटीज़न की तरह जाके उधर माथा टेक के आए हैं। कहने का मतलब है कि वहाँ पे, और जहाँ तक आपने बात की झंडे की, झंडे आप वहाँ पे कॉमन साइट है, देयर इज नथिंग, कोई स्पेशल बात अबाउट इट, जैसे हमारे बाकी हिंदुस्तान में झंडे लगते हैं बाकी एरियाज में, वैसे ही वहाँ पे है। लेकिन सर 2 साल पहले ऐसा नहीं था, नहीं था, और मैं तो आपको बता रहा हूँ कि इससे पहले मैं कुपवाड़ा जाने के लिए भी 2 बार सोचता था कि भाई जा रहा हूँ ठीक ठाक वापस आ जाऊँ, तो अब जो है यहाँ पर देयर इज अ सी चेंज, बहुत ज़बरदस्त बदलाव है, और उसको हमें पूरा रिकॉग्नाइज करना चाहिए और उसका क्रेडिट देना चाहिए। बिल्कुल सर, क्रेडिट देना चाहिए, रिकॉग्नाइज करना चाहिए। सर एक ब्रेक के लिए बस रुकना है, और यही नया कश्मीर है जो ये बता रहा है कि कश्मीर बदल चुका है। वो महबूबा मुफ्ती जो कहती थी कि झंडा उठाने वाले नहीं मिलेंगे, आज इतने हाथ हैं झंडा उठाने के लिए, हर हर खांत में एक तमन्ना है, जोश है कि ये हमारा देश है और हम सबको आज़ादी की 75वीं सालगिरह पे कैसे एक साथ मिलकर के तिरंगे की आन बान शान को बढ़ाना, और यही वो तस्वीरें हैं। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं।